ईओडब्ल्यू की दबिश हुई थी और इसके बाद जर्मनी से लौटे बिशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम बिशप को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उसे जबलपुर लाया जाएगा। जबलपुर में पिछले सप्ताह ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह के घर छापा मारा था। ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, 7 करोड़ से अधिक का टैक्स न चुकाने के मामले सामने आए। पीसी सिंह ने स्कूल से आए बच्चों की फीस के 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए धार्मिक संस्था और खुद पर खर्च कर दिए। फीस में अनियमितता का आरोप लगा था 2005 और 6 के बीच और 2011 और 12 के बीच ये पूरा मामला सामने आया था। और बताया ये भी जाता है कि बेहिसाब संपत्ति बिशप पीसी सिंह ने पद में रहते हुए बना ली और घर से भी करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए थे। जर्मनी गए हुए थे बिशप पीसी सिंह और इसी दौरान ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित उनके निज निवास पर दबिश दी थी और छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था और बेहिसाब संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। स्कूल की फीस जो कि छात्रों के लिए थी उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई थी, ऐसा मामला पूरा सामने आया था। और जर्मनी से लौटने की इंतजार भी किया जा रहा था कि कब वो भारत देश छोड़े लौटे और उनकी गिरफ्तारी हो। और बताया जा रहा है कि जब नागपुर एयरपोर्ट पर पीसी सिंह ने लैंड किया तभी उन्हें पकड़ लिया गया और अभिरक्षा में लेकर उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है और छापे में 17 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले थे। 1,65,00,000 से अधिक की नकद राशि, $18,352 मिले थे, 118 पाउंड समेत 8 4-व्हीलर गाड़ियां मिली थी। नागपुर से बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जारी है। और बिशप जो कि आपको बता दें चर्च का प्रधान होता है, पास्टर के काफी ऊपर बिशप का दर्जा होता है, धर्मगुरु के तौर पर भी बिशप को जाना जाता है और उम्मीद यही की जाती है कि पाक साफ हो, ईमानदार हो और कर्तव्य निष्ठा का पद पर रहते हुए पालन करे। लेकिन इसके ठीक उलट पीसी सिंह ने किया, ऐसा आरोप पीसी सिंह पर लगा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इस पद पर वो बने हुए हैं और पद का दुरुपयोग किया है। स्कूल में जो बच्चों की फीस थी उसे निज खर्च के लिए इस्तेमाल किया, उससे बेहिसाब प्रॉपर्टी भी खड़ी की और बता दें कि 16 करोड़ से ज्यादा तो कैश इनके निवास से बरामद हुआ है। जब ईओडब्ल्यू ने ये पूरी कार्रवाई की जबलपुर में तब आपको बता दें उस वक्त पीसी सिंह जर्मनी में थे। ये भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और ये इनके जर्मनी से लौटने के बाद इनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था और ईओडब्ल्यू हेडक्वार्टर लेवल से लगातार बाकी एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा था और इनके दिल्ली से बैंगलोर होते हुए जब नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो सीआईएसएफ की मदद से इन लोगों को इनको अभिरक्षा में लिया गया, ऐसे पूछताछ की जा रही है। कुछ बरामदगी अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद बाकी तथ्य बताए जाएंगे। एयरपोर्ट पर क्या भागने की फिराक में था कहीं? इनके जो मैंने बताया ना जिस तरह से इनके मूवमेंट्स थे उसको ट्रैक किया जा रहा था और मूवमेंट के दौरान ही इनको वहाँ से हिरासत में लिया। कल रात में मूवमेंट कैसे थी इनकी, मतलब कहाँ ये जाना चाह रहे थे या फिर ऐसा कुछ? अभी सिर्फ पूछताछ के दौरान स्पष्ट होगा। सर कुछ निकला है? मैंने कहा ना पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद बताएंगे।